हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल हूँ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 13, एग्जांपल नंबर 2, कंस्ट्रक्शन नंबर 2। ट्राइंगल पी क्यू आर वेर पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मेजर एंगल पी इज इक्वल टू 30, आर पी माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हमको करना क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, ओके, और स्टेप्स उसके लास्ट में बताएंगे। यहाँ पे करना है पी क्यू, हमको ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर। तो लेट अस वी फर्स्ट ड्रॉ हियर पी क्यू। पी क्यू 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, पी क्यू को हम 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर है, ये रहा 7 सेंटीमीटर, ओके, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लेबल कर देंगे पी क्यू, इट्स अ पी, इट्स अ क्यू, थोड़ा पी बड़ा कर रहे हैं, इट्स अ पी एंड क्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का पी ड्रॉ कर दिया। अब एंगल पी को हमको 30 बनाना है। करना क्या है, 30, अगर हमको 30 बनाना है तो पहले सबसे कोई भी एक मेजरमेंट लेके, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बरोबर। इसको हम क्या करेंगे, अब सर्कल बना देंगे, थोड़ा ये होल पड़ गया है नीचे, थोड़ा सॉफ्ट है इस वजह से। मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, पहले 60 का बनाऊँगा, सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा, 60 का। तो 60 का बना देते हैं, तो 60 का बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा ओके, ये 60 बन जाएगा, 60 बन गया। 60 बनाने के बाद उसके अंदर से हमको 30 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो मेज़रमेंट है, इसका जो मेज़रमेंट है, बरोबर, वापस हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे अगेन, यहाँ से यहाँ पे, ओके, और यहाँ से यहाँ पे, ये जो यहाँ पे, जो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है वहाँ से ही हमको लेना है, हो गया, ओके। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फैकल्टी यहाँ से डॉटेड लाइन बना देते हैं 60 की, तो बना सकते हो वहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हमको अगर यहाँ पे 60 का ज़रूरत नहीं है, 30 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम 30 का ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आर पी माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब आर पी माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर लेना है। तो 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से मेज़र कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले एंगल की, 30 का एंगल पहले बना तो देते हैं। ये हमने 30 का एंगल, ओके, ये हमने बना दिया, ओके, बन गया। यहाँ पे कोई भी नेम देना हो दे सकते हैं, ये हमारा रे है, तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ एक्स, ओके। अब क्या करना है मुझे, मुझे यहाँ पे करना है आर पी माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको 3 सेंटीमीटर यहाँ से मेज़र करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ले लूँगा, ओके, ये मेज़र कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर, ये थोड़ा बड़ा छोटा ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जिट आना चाहिए, ओके, माइनर डिफरेंट है, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ओके, अब ये एग्जिट हो गया, ओके, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक 3 सेंटीमीटर मार्क कर दूँगा, यहाँ से मैंने ये 3 सेंटीमीटर मैंने मार्क कर दिया, ओके। जहाँ पे मैंने मार्क किया वहाँ से मैं Q से लाइन ड्रॉ कर दूँगा, ये लाइन में ड्रॉ कर दूँगा, ये लाइन है, ओके, जहाँ से यहाँ से मार्क किया था यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है हमको, ये जो लाइन बनाई हमने उसका लाइन, ये जो लाइन बनाई उसका हमको बाइसेक्टर बनाया, यहाँ पे मैं लेबलिंग कर रहा हूँ टी, ओके, यहाँ पे मैंने टी लेबल कर दिया। अब ये जो टी क्यू मैंने बनाई, ये टी क्यू का हमको क्या लाइन, हमको बाइसेक्टर बनाना है। तो टी क्यू का बाइसेक्टर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कोई भी मेज़रमेंट ले लो, ये ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लेना है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि क्या ये कहीं पे भी डिस्टर्ब ना करे, मीन्स बाइसेक्टर्स कहीं पे डिस्टर्ब ना करे, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, हम रफ कर लेते हैं, ओके, थोड़ा छोटा ले रहे हैं, ओके, ये चलेगा, हमको ऐसा बनाना है कि डायग्राम में कहीं पर डिस्टर्ब ना हो, वैसे हमको बाइसेक्टर बना देने के, मीन्स मार्क लगाने के, जिसकी वजह से क्या कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ओके, यहाँ पे आर्क लग गया, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसको रफ कर देते हैं, एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा ज़्यादा बड़ा हो जाए तो रफ करिए, कर लीजिए आप, तो आपको ईजी रहेगा। अब क्या करना है, आर्क लगा दिया दोनों साइड, अब इसको ज्वाइन कर देना, ये आर्क को हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ये हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई, ओके। अब उसके बाद क्या करना है हमको,
उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करी यहाँ से हमको Q तक का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे P Q और ये जो हमारा एंगल में ये जो हमारा मिला ये हमारा R है, तो हमको यहाँ पे R मिल गया। तो P Q R ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था। अब यहाँ पे क्या, अब ये राइट है कि रॉन्ग है हमको मेज़र करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, R R P माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आर पी इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 होना चाहिए। तो हम चेक कर रहे हैं राइट है कि नहीं है, देखते हैं। ये हमारा है एग्जैक्टली 6.7 के आसपास है, 6.7। और ये क्या है, 6.7 है, ये है 3.7 के आसपास है। तो 6.7 और 3.7 तो कितना हो गया, उसमें से दो माइनस करेंगे तो 6.7 और में से ये आर पी कितना है, 6.7 है। एक सेकंड यहाँ पे लिख रहे हैं आर पी कितना है, 6.7 है, इसमें से 3.7 माइनस करिए 3.7 तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ओके, तो हमारा मीन्स ये हमारा डायग्राम राइट है, जस्ट उसको लेबलिंग करना है। अब इसके स्टेप्स लिखने हैं, तो इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं यहाँ पे, सबसे यहाँ पे पहले लिखे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे भी ड्रॉ करते रहो ऐसे आपको इसके स्टेप्स लिखने चाहिए। डेटा, डेटा क्या है कि जो क्वेश्चन में दिया होता है वही हमको लिखना होता है। टू कंस्ट्रक्ट द रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमको एक ट्रायंगल बनाना है जो हमारा पी क्यू आर ट्रायंगल है। ओके, स्टेप्स, ड्रॉ पी क्यू फॉर लेंथ 7 सेंटीमीटर, पी क्यू हमको ड्रॉ करना है वो 7 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे नंबरिंग दे रहा हूँ, ये आपको नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि स्टेप वाइज आपको ये सबसे पहले बनाना है। ये स्टेप्स कैसे होते हैं, जैसे मैं ड्रॉ करते जाता हूँ वन बाय वन स्टेप वाइज वैसे हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ड्रॉ पी क्यू, हमने पी क्यू ड्रॉ कर दिया, फिर 30 एंगल बनाया हमने, और ये जो रे बनी हमने उसको एक्स बोल दिया, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ड्रॉ पी एक्स, हमने पी एक्स बनाया और सच दैट द एक्स पी क्यू इज इक्वल टू 30, हमको ऐसा बनाना है कि ये एंगल हमारा 30 बने, ये मीन्स ये हमारा सेकंड पॉइंट है। नाउ ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड, टेक अ पॉइंट टी ऑन द पी एक्स सच दैट द पी टी इज इक्वल टू 3, हमको एक पॉइंट लेना है यहाँ, ये 3 सेंटीमीटर का ये पॉइंट लेना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 3 सेंटीमीटर का, उसको हमने नेम दे दिया टी। अब ड्रॉ टी क्यू, तो हमने उसके बाद क्या किया कि टी और क्यू के साथ एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एल, ये हमारा एक लाइन बना दिया, हमको इसको बोलना हो एल तो एल बोल सकते हैं, यहाँ पे एल दिया हुआ है, एल टी क्यू टू द इंटरसेक्ट पी एक्स। तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि हमको ये दोनों का बाइसेक्टर बनाना है, टी क्यू का बाइसेक्टर बनाना है, हमने बाइसेक्टर बना दिया बरोबर, और ऐसा बाइसेक्टर बनाना है जो पी एक्स को कहीं पे इंटरसेक्ट करता हो, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये यहाँ से हमको क्यू तक लाइन ड्रॉ कर देंगे लास्ट में, तो आर क्यू हमको मिल जाएगा, तो पी क्यू आर वो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। तो मीन्स ये इजी है, आपको करना क्या है, 3 से 4 बार ड्रॉ करेंगे तभी ही आपको समझ में आएगा, डायरेक्टली वन टाइम आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको बाय चांस ऐसा है कि भाई हम घड़ी घड़ी भूल जा रहे हैं डायग्राम में ये वीडियो देखते देखते, तो करना क्या है, इसको लेबलिंग कर दो, फर्स्ट लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है ऐसे लेबल कर दो, फर्स्ट ये को ड्रॉ करना है, फिर एंगल बनाना है, फिर ऐसे, तो ऐसे आप लेबलिंग करोगे नंबर वाइज तो आपको 101% आपको याद रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और सेकंड थिंग, ये सारे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ हो जाएंगे, 4 कंस्ट्रक्शन है एक्सरसाइज 13 के, सारे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ओके, तो आप उसको 3 to 4 टाइम रिवाइंड करके देखिए और इसके 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस करिए, आपको 100% आ जाएगा, वन टाइम ड्रॉ करने से ये नहीं आएगा, ये कंपलसरी 3 to 4 टाइम आपको ड्रॉ करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्सअप दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।